उमा देवी जी, आज आपके धरने को इको गार्डन में 111 दिन पूरे हो गए हैं और लगातार जो है उधर सरकार जो है विचार विमर्श कर रही है, कोई निर्णय नहीं आ रहा है और जो प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो भी एक महिला हैं, तो एक महिला होने के नाते आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और क्या आप उनसे चाहती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए मेरे भैया। जब से मैं धरना दे रही हूँ तब से बीजेपी गवर्नमेंट से एक भी ऐसा योद्धा नहीं है जिसने हमारे पक्ष में कभी बयान दिया हो। महेंद्रनाथ पांडे जी हमेशा गलियों में घूम के कहते थे कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट शिक्षा मित्र हित में काम कर रही है और आज तक आपको रिजल्ट दिख रहा है। 111 दिन मुझे मैदान में खड़े हुआ जी। इस खड़े होने के उपरांत 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ उतारे, हम बहनों ने केस का परित्याग किया, लेकिन अगर योद्धाओं की बात की जाए तो कितनी इनकी सच्चाई है ये आपके सामने पोल खुलती हुई दिख रही है जी। रह गई बात, आपने बढ़िया क्वेश्चन मेरे से किया कि शिक्षा मंत्री जी हमारी महिला है, मैं क्या कहूँ अपनी बड़ी बहन से, वो भी अध्यापिका ही थी जी। वेदना तो इतनी है कि मैं बयां नहीं कर सकती। एक माँ का रूप लेकर के उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बहनें इस मैदान में तड़प रही हैं पेट की रोटी के लिए जी। जिस पेट की रोटी के लिए कोई अगर न्यायालय की शरण में जाता था एक व्यक्ति, तो भी न्यायालय आजीविका का क्वेश्चन होने के कारण, उसके परिवार का भरण पोषण का सवाल होने के कारण उसको ससम्मान बहाल करती थी। यहाँ 172,000 परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, तब यही गवर्नमेंट बाद में अपना बचाव पक्ष रखते हुए कहने लगी कि हमने 3500 से 10,000 कर दिया। ठीक है, सौभाग्य है आप कम से कम 3500 से 10,000 कहने की बात कह रहे हैं, तो वही चीज़ क्या आज के डेट में एक मजदूर की कीमत मिनिमम जो चल रही है, अध्यापकों की कीमत क्या उससे भी कम है जी। एक क्वेश्चन की बात, जहां आप समान वेतन समान कार्य के अधिकार को 2017 में लागू कर दिए अपने क्या बोलते हैं विभाग में डिपार्टमेंट में, गृह राज्य मंत्री जिस हिसाब से लागू किए इसको, उनको एक बार पलट के सोचना चाहिए कि जहां यूपी की जनता यूपी की टीचरें इतना परेशान है, एक बार आदेश फरमान जारी करके क्यों ना हम कह दें कि हाँ इनको आप दे दीजिए। आज जो गृह मंत्री जी हैं राजनाथ जी हमारे पूर्वांचल से हैं, चंदौली से हैं, उनके पास भी एक भी शब्दों का जवाब नहीं आया, बल्कि उन्होंने भी उन गद्दारों को सराहा जो गद्दार आज तक ले डूबे थे और हम लोग मैदान में खड़े रहे। आज वो आए हैं, आज लखनऊ में आए, आज हमें भी पता है कि वो लखनऊ में आए हैं। मैं इन लोगों से एक ही क्वेश्चन करूंगी कि क्या आप पूरे भारत का मूल्यांकन करके देखिए, उत्तर प्रदेश ही ऐसा पिछड़ा राज्य है क्या जहां शिक्षकों की इतनी उपेक्षा की जा रही है जी। इसलिए मैंने 5 सितंबर को अपने भाई बहन को शिक्षक दिवस के रूप में ही, ये दिन हमारे लिए गौरव का दिन है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इस चीज़ को मनाते हैं और मैं अपने भाई बहनों को आह्वान की हूँ कि आप आइए अपने हक की मांग के लिए, अपने भीड़ को एहसास कराइए शासन को। शिक्षा नित्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद शिक्षा नित्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, बहन तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, बहन तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक महिला होने के बाद, एक सुहागिन होने के बाद अपने अपने केशों का परित्याग किया और प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी एक महिला हैं, तो क्या वो आपको 111 दिन में कभी मिलने आई, कभी कोई आश्वासन दिया? एक महिला होने के नाते उनसे आपका क्या अभी तक की क्या बातचीत रही? मेरी कोई बातचीत नहीं है मेरे भैया, और कभी उनका कोई आश्वासन नहीं आया जी, ना ही कोई ऐसी बात मेरे सामने आई कि आज शिक्षा मंत्री जी द्रवित हुई हैं, भावुक हुई हैं या उन्हें भी कहीं से ये दर्द हुआ है, कभी ऐसी कोई बात नहीं आई मेरे सामने। और बड़ी बहन है, आज भी सम्मान है उनका, भगवान ने उनको कुर्सी नसीब की थी, वो भी एक अध्यापिका होते हुए कुर्सी को पाई, मैं तो कहूँगी कि ईश्वर करे और 4 चांद लगे उनको जी। लेकिन मैं एक ही अपेक्षा एक ही गुहार उनसे करूँगी कि आप अपनी छोटी बहनों का भी ख्याल रख लीजिए, आप इनका भी सम्मान निभा लीजिए, क्योंकि आप एक अध्यापक रही हैं, आपको भी वही सम्मान मिला था जो सम्मान आज हम लोग परेशान है पाने के लिए कि हमारा सम्मान मिलने के बाद हमसे छीना गया और हम आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फुटपाथ पे हम टहल रहे हैं, इसी को गार्डन में 111 दिन हो गए, इस गर्मी की तपिश बरसात की
लहरें कहिए, जो वो बरसात थी कि रातों दिन बिल्कुल पानी खुलने का नाम नहीं लिया, पूरा इको गार्डन लबालब भरा रहता था, और अब ठिठुरन का भी नंबर आ गया। मैं खड़ी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कफन बांध के घर से निकली थी और आज भी मैं उसी उद्देश्य से खड़ी हूँ। काफ़ी कुछ सुनती हूँ लेकिन मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार है तो गवर्नमेंट से है कि आप हमारे सम्मान को बरकरार करिए, हमेशा सम्मान दीजिए, और वही सम्मान हम आपका करेंगे, आपका हम गौरव, जैसे आप हमारा बढ़ाएंगे हम भी बढ़ा देंगे। आप मेरे लिए कहलवाने का काम मत करिए, क्योंकि बहुत चीज़ें बिना कहे हुए की जाती हैं। आप हमसे अपेक्षा रख रहे हैं तो हम भी आपसे अपेक्षा रख रहे हैं, क्योंकि आज पाले में आपका नंबर पहले करने का मेरा नहीं, मेरा तो बाद में आएगा नंबर, पहले आपका नंबर है, क्योंकि दरवाजे पे आपके मैं खड़ी हुई और आज मैं पेट की रोटी की भीख मांगी हूँ 172,000 परिवार की, वो आप दीजिए हमें। और जो चाटुकार गद्दार बेशरम नेता जो बाहर से घूम के खिलौड़ी या हथौड़ी या खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं किसी भाई बहन का, उनसे एक लाइन में कहूँगी कि बुरा समय में ना कुछ कर पाओ तो कम से कम चुपचाप बैठ जाओ, अच्छाई के तरफ बढ़ो, ईमानदारी से बढ़ो, अच्छे रास्ते पे चलो, सदमार्ग पे चलो, हमेशा प्रशस्ति मार्ग पाओगे, और अगर सदमार्ग पे नहीं चलोगे तो तुम्हारा मार्ग हमेशा रोड़े भरा, राहों भरा ही होगा, कांटे भरा ही होगा। और मैंने ईमानदारी की रोटी हमेशा खाई है, क्योंकि मैं खुद भी एक IAS परिवार की बेटी हूँ, तो मुझे वो गौरव पता है कि ईमानदार क्या होता है। ईमानदार होने के वजह से ही मुझे आज तक का जो कुछ मिला है वो मिला है, और कोई भाई बहन मुझे उंगली नहीं उठाता है। जो समय का तकाजा आया मेरे साथ, मैं अपने भाई बहनों को लेके आई, क्योंकि मेरी नौकरी भी 18-19 साल हो चुकी है, मैं खड़ी हूँ तो पेट की रोटी के लिए खड़ी हूँ, और आज मैंने बरकरार करके दिया शासन को कि आप हमें दीजिए। तकलीफ इस चीज़ का है कि हाई पावर कमेटी गठित होने के बाद तुरंत निर्णय आना चाहिए था, लेकिन निर्णय नहीं आया। यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं संशय महसूस हो रहा है कि आप क्यों इतना लंबा खींच के ले जा रहे हैं। होली, दीपावली, दशहरा, आज आप कुछ और कह दें, कल हमारे पास क्या बचेगा? आज आपकी तो झोलियों में इतना कुछ भरा है, आप दें, आपके संगठन में जो फूट है तो रहा है। अगर मैं एक लाइन का क्वेश्चन जरूर कहूँगी शासन से, 50 संगठन 50 तरह की बातें, IAS आपके, मंत्री आपके, डिपार्टमेंट आपका, कुर्सी आपकी, आपके सभी लोग बैठे हुए हैं, क्यों आप दूसरों का इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों नहीं एक ऐसा पहल कर दे रहे जिससे सभी की रोटी बरकरार हो जाए, सम्मान बरकरार हो जाए? क्यों किसी गुट, किसी नेता, किसी पक्ष विपक्ष का आप इंतजार कर रहे हैं? अगर ये इतना समझदार रहे होते तो आज इनका ये दुर्भाग्य ना रहा होता, ये सौभाग्य से अपने पेट की रोटी को बचाए होते, अपने को अरबपति खरबपति बनने की जुगाड़ में ना लग गए होते, अपनी सीट BJP या सपा या कांग्रेस की कुर्सी लेने में न बिताते सांसद और विधायक की, ये ईमानदारी की रोटी लड़ते, पेट की रोटी लड़ते। मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, खरा बोलती हूँ, इसलिए मैं मैदान में डटी रहती हूँ। तो क्या आप लोग इसका कोई हल निकाल रहे हैं? मेरी जितनी जिम्मेदारी है भाई, मैं अपने भगवान को साक्षी मानती हूँ, मैं निभाती हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनती। लोगों के अंदर डाउट बहुत रहता है, बहुत कुछ क्वेश्चन आता है, मैं किसी का एक नहीं सुनती हूँ। मुझे सुनना है तो 172,000 लोगों की रोटी की बात सुननी है, बाकी कुछ नहीं सुनना है। कोई निकाले ना निकाले, मैं शासन को कहूँगी कि आप स्वयं निकाल दें, किसी नेता अभिनेता का इंतजार आप मत करें। ये चलते हुए उमा देवी जी क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा मित्रों को? मेरे भाइयों, मेरी अपील है आपसे, आप शांतिपूर्वक ढंग से आइए, जिस ढंग से आप आते थे मेरे पास, अपने गरिमा का परिचय आज भी शासन को दीजिए। आप वो बहादुर सैनिक बनिए जो हमारे कच्ची मिट्टी के घड़े को बनाने का जो साचा है वो दुनिया में कोई ले नहीं पाएगा। वो ताकत ईश्वर ने हमको आपको दे रखी है, वो कलम की ताकत कोई रोक नहीं पाएगा। आइए हम फिर से एक संकल्प लेंगे कि हाँ, हम उसी ताकत और आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, शासन को एहसास कराएंगे कि हम एक अध्यापक हैं, हम अपने गरिमा में रहते हैं, और 5 सितंबर को आप इको गार्डन पूरा लखनऊ अपने भीड़ से एहसास करा दीजिए कि हाँ, आज हम खड़े हैं इको गार्डन में।